वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को कैसे घर में उगाएं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नर्सरी से इस तरह स्ट्रॉबेरी के कुछ पौध लेके आएंगे। अब इसको लगाने के लिए हम इस तरह का कुंडी टाइप का एक गमला लेंगे जिसकी गहराई 6 इंच के करीब हो। अब हम इसके छेद में एक छोटा सा गमले का ठीकरी रख लेंगे और बाकी के टुकड़े भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल, गाय की पुरानी खाद और बजरी, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लिया है। बजरी को हम अच्छे से छान के काम में लेंगे। स्ट्रॉबेरी प्लांट को रिच सॉइल बहुत पसंद है, इसलिए हम इसमें अच्छे से गाय की जो पुरानी खाद होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नीम खली, 1 चम्मच हम इसमें सरसों की खली लेंगे और 1/2 चम्मच बोन मील लेके हम इसमें इसके सॉइल मिक्सचर में हम मिला लेंगे। नीम खली इसमें मिट्टी में जो भी कीड़े होंगे वो उसको ठीक करेगा और सरसों की खली इस प्लांट को गर्माहट देगा और बोन मील कैल्शियम देगा, जो कि हमारे प्लांट को बहुत जरूरत है। अब हम इसको अच्छे से दबा के इस प्लांट को आराम से इसमें लगाएंगे। इस पौध को लगाने में हमको ये ध्यान रखना है कि जो इसका ये जो क्राउन है इसके ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो जब हम इसको दबाएंगे तो साइड का भाग हम इसमें दबाएंगे लेकिन बीच के भाग को हम इसके ऊपर हम बिल्कुल मिट्टी नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अंदर से ही पत्तियां निकलती हैं और फ्रूट भी यहीं से निकलते हैं। अब हम इसमें एक बार अच्छे से पानी डाल देंगे। अब स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट्स भी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो बाजार में बहुत अच्छी अच्छी बास्केट्स मिलती हैं, लेकिन मेरे पास ये मात्र 30 रुपीस का जो अब चिड़िया के बर्तन होते हैं पानी रखने वाला, उसमें मैंने ये बनाया है। क्योंकि अब ये हैंगिंग बास्केट है, हम इसको हैंग करेंगे, इसलिए इसकी सॉइल मिक्सचर बहुत लाइट वेट होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें 60% कोकोपीट लिया है, 40% मैंने इसमें गार्डन सॉइल लिए। इस गार्डन सॉइल में सरसों की खली, नीम खली और बोन मील तीनों मिलाया हुआ है। स्ट्रॉबेरी प्लांट जब हम लगाते हैं तो इसके 2 महीने बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और इसका टाइम सितंबर से अक्टूबर तक का ही होता है। इसमें सैपलिंग हमको लगा लेनी चाहिए। अब हम इसकी जो सूखी ये टहनियां है इसको हम निकाल लेंगे। स्ट्रॉबेरी प्लांट में एक फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। जब पत्तियां हैं अगर मिट्टी में टच होती हैं तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए हम इसके अंदर मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने के लिए हम इस तरह का जो फ्रूट में जो पैकिंग आती है उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करके हम इस गमले में बिछा देते हैं, ताकि इसकी पत्तियाँ मिट्टी को टच ना करें और जब हमारा फ्रूट आएगा तो भी इस मिट्टी को टच ना करें, नहीं तो वो नीचे से हमारा फ्रूट खराब हो जाता है और फिर ये हमारे प्लांट को नमी भी देता है और हमारे फ्रूट साइड में ही आते हैं, इसलिए हमको ये मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। हम मल्चिंग मॉस ग्रास से भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट को सन बहुत पसंद है, सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको साउथ फेसिंग में लगाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें क्या है एक बात और, ये है कि हम इसके अंदर हर 15 दिन में, लगाने के बाद हम इसको 15-15 दिन में एक तो लिक्विड मैन्योर देंगे और हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी कीड़ा ना लगे। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने के लिए हम 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच नीम ऑयल डालेंगे और इसमें 2 से 4 बूंद कोई भी लिक्विड सोप डाल के अच्छे से शेक करके और हम इस प्लांट को हम स्प्रे करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी कीड़ा ना लगे। अच्छा, एक बात और कि इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन अगर इसमें पानी ठहरता है तो ये प्लांट की रूट्स को गला देता है, इसलिए हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें पानी, इस प्लांट में पानी ठहरे ना। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।